शरद पवार यांचा पक्ष तोडून त्यांना कमजोर करण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला, पण यावेळेला काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असेल हे महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी ठामपणे उभे राहतील आणि लढत राहतील. अजित पवार यांनी दैवत बदललं आहे आणि 2024 सरकार बदलेल, मोदी नसतील आणि परत त्यांना ईडीची नोटीस येईल, तेव्हा त्यांनी परत दैवत बदललेलं असेल अशी खोचक प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी अजित पवार यांच्या वक्तव्यावर दिली आहे. जर्मनी में भाग गया, मोदी जी ने भगाया उसको, मोदी शाह जी ने उनको भगाया. मोदी जी का बहुत चहेता उम्मीदवार था वो, बहुत आपने देखा होगा जब कर्नाटक में प्रचार में गए तो उनकी पीठ कैसे थपथपा रहे थे मोदी जी, वाह बेटे वाह, 2000 बलात्कार के, वाह बेटे वाह. 2000 बलात्कार का रिकॉर्ड करने वाला आदमी अगर मोदी जी उसकी पीठ नहीं थपथपा गए तो कौन थपथपाएगा? तो ऐसे आदमी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा. अगर कोई झूठे मूठे केस में विरोधी कार्यकर्ता को पकड़ लेंगे, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य रेवन्ना चिरंजीव ना, उसका नाम प्रज्वल, वो चिरंजीव है, छोटा बच्चा है उनका, प्रज्वल रेवन, 2000 से भी ज्यादा उनके वीडियो वायरल हुए बलात्कार. उनके सामने बूढ़ी औरतें माँ जैसे हाथ जोड़ती है और मोदी जी उस बलात्कारी की पीठ थपथपा, वाह बेटे वाह, कितना बढ़िया काम किया है देश के लिए, हाँ तू ही हमारा आदर्श है. ये बीजेपी का चरित्र है, कैरेक्टर है. भाग गया, उसको भगाया, मालूम नहीं था मोदी जी को उसका इतिहास क्या है. ऐसे लोगों को हमारे इतिहास खंगाल रहे हैं ना, हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उनका पता नहीं चला. 2000 बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति आपके साथ बैठता है, ये आपका बीजेपी का कैरेक्टर है. अजिबात नहीं, अजित पवार यांचं दैवत सध्या, त्यांनी दैवत बदललं आहे आणि जेव्हा 2024 सरकार बदलेल, मोदी नसतील आणि परत त्यांना ईडीची नोटीस येईल, तेव्हा त्यांनी परत दैवत बदललेलं असेल, त्यांनी परत दैवत बदललेलं असेल. हे मोबाईल दैवत त्यांच्या मागे असतात, खरंच असतं. बहुत ही रहस्यमय तरीके से आंकड़े बदल गए, लोग चिंता में है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू.